हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका हमसफर मिस्टर शिवशंकर सूर्यवंशी। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। कि जैसा कि हम जानते हैं, अपनी ट्रेनिंग सीरीज चल रही है, उस ट्रेनिंग सीरीज में आज फोर्थ सेशन है, फोर्थ पार्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट आज का सब्जेक्ट है दोस्तों, 3 C's इन आवर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, 3 C। सी का मतलब कॉन्फिडेंस, यानी अपने लाइफ में या फिर हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें ये 3 कॉन्फिडेंस कितने ज़रूरी होते हैं। अगर ये 3 कॉन्फिडेंस हमारे पास नहीं है तो हम लाइफ में या फिर हमारे काम में कुछ भी नहीं कर सकते। यानी 3 कॉन्फिडेंस कितने ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस क्या कौन से हैं, यह हमें आज देखना है दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से बताना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगा तो बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, वीडियो लाइक करना ना भूलिए और वीडियो शेयर करना ना भूलिए। क्यों, ये हमेशा मैं बताता हूँ दोस्तों, इसके पीछे मेरा स्वार्थ है। जी हाँ, स्वार्थ क्या है कि आप अगर वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मेरा हौसला बढ़ता है। मेरा जितना हौसला बढ़ेगा, मुझ में जितने कॉन्फिडेंस आएगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बेस्ट टू बेस्ट मैं आपको हमेशा देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। क्योंकि मोबाइल को जैसे चार्जिंग की ज़रूरत है, हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत है, और आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का जो मेन पार्ट है उस टॉपिक के ऊपर आते हैं, 3 कॉन्फिडेंस इन आवर लाइफ। तो होते क्या ये 3 कॉन्फिडेंस, इसका महत्व क्या है, ये अगर नहीं होंगे तो क्या हो सकता है। तो ये 3 कॉन्फिडेंस क्या है दोस्तों। सबसे पहला कॉन्फिडेंस आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी हाँ, हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं आत्मविश्वास, ये सबके पास होना ज़रूरी है। दूसरा कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों, जिस किसी सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े हैं, वहाँ पर जिसने हमें जोड़ा है, वो जो अपलाइन है, वो जो गुरु है, वो जो स्पॉन्सर है, उसके ऊपर हमारा बहुत भरोसा होना चाहिए। जी हाँ, यानी कॉन्फिडेंस ऑन आवर अपलाइन। और तीसरा कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों, जिस सिस्टम में हम जुड़े हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, उस सिस्टम के ऊपर, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमारा भरोसा रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 कॉन्फिडेंस है दोस्तों, पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा कॉन्फिडेंस ऑन आवर अपलाइन, और तीसरा कॉन्फिडेंस ऑन आवर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, अब देखेंगे पहला जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि हमारे पास अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम लाइफ की रेस हार सकते हैं दोस्तों। यानी लाइफ के हर किसी मोमेंट में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। एक स्कूल था, उस स्कूल में एक गणित का क्लास चल रहा था, मैथमेटिक्स। उस गणित के क्लास में एक अध्यापक अपने बच्चों को एक सवाल पूछते हैं गणित का, और उसका हल ढूंढने के लिए बोलते हैं। पूरी क्लास उस सवाल का हल ढूंढने में लगता है। उसी क्लास में मोहन और सोहन नाम के दो लड़के रहते हैं, जो दोस्त रहते हैं, जो वो भी उस सवाल का हल ढूंढने में लगते हैं। लेकिन मोहन थोड़ा सा ट्राई करता है और मोहन को समझ में आता है कि ये सवाल बहुत ही कठिन है, हम इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, हम इसका हल नहीं कर सकते। इसलिए मोहन सोचता है कि अगर इतने कठिन सवाल का अगर हम हल ढूंढ नहीं सकते तो बेकार में हम यहाँ पे दिमाग लगाना बेकार है, इसलिए हम दिमाग लगाना ही छोड़ देते हैं। मोहन किताब बंद करके ट्राई करना ही छोड़ देता है, बैठ जाता है। लेकिन सोहन थोड़ा मेहनती था, सोहन थोड़ा आत्मविश्वासी था, सोहन थोड़ा उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस था, तो वो कहता है कि अगर पूरा क्लास चल रहा है, अगर ये पूरा क्लास ट्राई कर सकता है, अगर ये पूरा क्लास इस सवाल का अगर हल ढूंढने के लिए ट्राई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर कोई सवाल है तो उसका हल भी 100% होगा। इसी सोच से सोहन उस सवाल का हल ढूंढने में लगता है दोस्तों। 5 मिनट निकल जाते हैं, 10 मिनट निकल जाते हैं, लेकिन 15 मिनट के बाद होता क्या है, तो सोहन उस सवाल का हल ढूंढ लेता है और अध्यापक को दिखाता है, और हल बराबर निकलता है, सॉल्यूशन बराबर निकलता है। तो अध्यापक सभी क्लास के सामने सोहन की शाबाशी करते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें क्या सिखाती है, कहानी छोटी है लेकिन सीख बहुत गंभीर है दोस्तों। अब ये मोहन और सोहन दोनों दोस्त ही थे, लेकिन दोनों की सोच देखिए। मोहन ने सिर्फ थोड़ा सा ट्राई किया और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया, और वो आगे बढ़ने से रुक गया, और वहीं पर उसका असफलता फिक्स हो गई। लेकिन सोहन ने क्या किया, ट्राई करेंगे, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। सोहन का ये सोच उसकी सफलता की ओर उसको बढ़ाती है। क्योंकि दोस्तों, इम्पॉसिबल वर्ड को भी अगर हम देखेंगे, सभी लोगों को पता है व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग लिखिए IAM POSSIBLE। जी हाँ दोस्तों, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड में ही IAM POSSIBLE लिखा है। सिर्फ अपने देखने का नज़रिया वैसा होना चाहिए दोस्तों। आई कैन डू इट का एटीट्यूड हम सभी लोगों का होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं कहेंगे आई कैन डू इट, तब तक अपना भरोसा भी नहीं बढ़ने वाला दोस्तों। इसलिए हम ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल का जो कुछ काम कर रहे हैं, ये काम को आगे बढ़ाने से पहले, अपने टीम को मोटिवेट करने से पहले, हमें खुद को मोटिवेट रखना है, खुद का भरोसा बढ़ाना है, खुद का आत्मविश्वास
मनोधैर्य मनोबल हमेशा ऊंचे लेवल पे रखना है दोस्तों। जब तक हम सेल्फ कॉन्फिडेंट हमारा पावरफुल नहीं रहेगा तब तक हम टीम को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी बात आती है दोस्तों, कॉन्फिडेंस ऑन आवर अपलाइन, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अपने अपलाइन के ऊपर हमारा भरोसा होना जरूरी है, क्योंकि अपलाइन के बारे में मैं एक ही शब्द कहना चाहूँगा दोस्तों, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः। जी हाँ दोस्तों, हम जिस सिस्टम में हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उसमें जो अपना अपलाइन है उसको हमें गुरु का दर्जा देना है। जी हाँ, चाहे वो दिखने में हमसे काला हो गोरा हो ऊंचा हो या फिर बोना हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, लड़का हो लड़की हो, यंग हो बुजुर्ग हो, चाहे जैसा भी हो, वो अपना अपलाइन है ना, बस उसको हमें रिस्पेक्ट देनी है। क्यों? एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कुछ गलत लगा तो आई एम सॉरी, लेकिन 5 बच्चे मिलकर एक बाप पैदा नहीं कर सकते। 5 बच्चे भी अगर चाहें ना तो मिलकर एक बाप पैदा नहीं कर सकते, लेकिन एक बाप 5 बच्चे ज़रूर पैदा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो अपना अपलाइन जो कोई भी है उसका अगर हम देखेंगे तो उसके डाउनलाइन बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हमारा आईडी देखेंगे तो हमें इमीडिएट अपलाइन एक ही है। क्या बोल रहा हूँ, देखिए दोस्तों, हम ही है, हमारा इमीडिएट अपलाइन एक ही है, लेकिन हमारे डाउनलाइन हम मैक्सिमम अपने ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल का देखेंगे तो मैक्सिमम 12 भी बना सकते हैं। यानी हम डाउनलाइन 12 बना सकते हैं, लेकिन अपलाइन इमीडिएट अपलाइन एक ही है। इसलिए हमें अपलाइन के ऊपर भरोसा रखना है, और अपलाइन कभी भी नहीं सोचता कि डाउनलाइन का बुरा होना चाहिए। तो अपलाइन के भरोसे के ऊपर अगर हम चलेंगे, अपलाइन के ऊपर भरोसा रखकर चलेंगे, तो ज़िंदगी में हम भी 100% सफल हो सकते। और अभी मैंने कहा है अपलाइन के ऊपर भरोसा रखना है या फिर अपलाइन को इज्जत देनी है, तो सिर्फ उसके सामने ही मीठी मीठी बातें करनी, ऐसा नहीं है। जब भी अपना अपलाइन अपने साथ नहीं है, अगर हम अपनी टीम के साथ है तब भी हमारे अपलाइन के बारे में स्तुति करनी है, अपलाइन को अच्छा ही बोलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हमें नोट आउट करना है दोस्तों, कि नेगेटिविटी अगर मान लीजिए कहीं टीम में भी वगैरह आती है तो कभी भी हमारे डाउनलाइन को बताना नहीं है, नेगेटिविटी हमारे अपलाइन के साथ ओपन माइंडली शेयर करेंगे, तब जाकर उसमें से हमें पॉजिटिविटी निकलती है। यानी अपलाइन के ऊपर भरोसा रखिए, अपलाइन के बारे में अच्छी बातें ही बोलिए, क्योंकि अपलाइन ही है जो हमें एक सही रास्ता दिखा सकता है, एक अपना गाइड बन सकता है। और थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों कि कॉन्फिडेंस ऑन आवर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर हमें भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कन्नड़ा में कहावत है दोस्तों, संशय इत तंद्रे संसार आगो दिल्ला। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में मान लीजिए मियाँ बीवी है, मिस्टर मिसेस हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों में अगर डाउट आ गया, किसी के भी बारे में डाउट अगर आ गया, तो संसार करना यानी आगे की लाइफ में वो इकट्ठा साथ में रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसी को कहते हैं संशय इत तंद्रे संसार आगो दिल्ला। सेम उसी तरह दोस्तों, आज हम ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, इसका मतलब हमने इसमें करियर लेने का ठाना है, इसका मतलब हमने हमारे डाउनलाइन को इसमें करियर लेने के लिए वचनबद्ध है, इसका मतलब हमें बड़ा विजन इसमें से अचीवमेंट करना है, इसका मतलब हमें लॉन्ग लाइफ इसमें से चलना है, इसका मतलब इसके साथ हमें संसार करना है। अगर हम इसके ऊपर ही संशय करेंगे तो हम इसमें संसार कैसे कर सकते हैं, इसमें बड़ी अचीवमेंट कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों। इसलिए हम जिस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर कभी भी हमें संशय करना नहीं है। ठीक है, स्टडी कीजिए, डाउट्स होंगे आप डाउट्स क्लियर कीजिए, आपके अपलाइन से पूछिए, उसके अपलाइन के पूछिए, जो भी आपके अपलाइन में एक्टिव अपलाइन है उनसे पूछिए, लेकिन डाउट क्लियर कीजिए। और अगर आप इस सिस्टम में जुड़े हैं, जब तक आपको जुड़ना है तब तक सारे डाउट क्लियर करना है। एक बार अगर जुड़े हैं तो आपको 100% बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको करना है। अगर ऐसा करेंगे तभी चल के आप 100% इसमें बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक कहावत है, अगर हम किसी भी चीज़ को शंका की नज़र से देखेंगे तो शंका और बढ़ने वाली है। हम किसी भी चीज़ को शंका की नज़र से देखेंगे तो शंका और बढ़ने वाली है, अगर विश्वास की नज़र से देखेंगे तो विश्वास और भी बढ़ने वाला है। तो अभी हमारे हाथ में है कि हमें शंका बढ़ाना है या विश्वास बढ़ाना है। तो दोस्तों इतना ही कहूँगा कि ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। ये 3 कॉन्फिडेंस अगर लेकर हम इस सिस्टम में जुड़ेंगे, अगर जुड़े हैं तो वर्क करेंगे, तो 100% हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट इसमें से ला सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में कुछ लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि हम अगर जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करना है या नहीं करना द्विधा मनस्थिति में है। दो ही पॉइंट आते हैं दोस्तों, सब आपने प्लान की स्टडी की है, सब आपने डिटेल स्टडी की है, लेकिन पॉइंट आता है अभी करें या ना करें, बराबर है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
जाहिर सी बात है, नहीं करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस सिस्टम में से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन करेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आशा रखता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय ग्रीन ग्लोरी।